नमस्कार, बदलेगा भारत पर आप सभी का स्वागत है। आजमगढ़ ज़िले में है और आजमगढ़ ज़िले की एक मशहूर जगह है कनैला। जब भी कनैला का जिक्र आता है या इस शब्द की कहीं पे अगर इस्तेमाल होता है या बोला जाता है तो सीधे तौर पर एक जो खाका, एक जो चेहरा नज़र आता है हमारे जहन में, वो होता है महापंडित राहुल संकृतायन जी का। आज उन्हीं की धरती पर हम लोग मौजूद हैं। मौका है 129वीं जयंती का। इस जयंती पे ढेर सारे लोग यहीं पे मेरी बाईं तरफ आप देख रहे हैं, एक हॉल है। बहुत सारे लोगों को आमंत्रित किया गया था और बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे राहुल जी के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके दर्शन के बारे में। जिनको जो पता था उन्होंने बताया वहाँ पे, और सामने बैठी जो भीड़ थी, जो आम जनता थी, उन्होंने राहुल जी के विचारों को सुना कि किस तरह से वो महान यायावर जिसने कदमों से दुनिया के कई देशों को नाप दिया, जिसकी ख्याति ऐसी थी कि विश्व के बहुत सारे देश उनकी आभा मंडल या उनके किए गए कार्यों की चमक में खो गए। बहरहाल देर ना करते हुए आपको बता दूं कि आज जन्म जयंती समारोह के इस खास मौके पर हमारी मुलाकात हुई है उनके प्रपौत्र से, विनोद पांडे जी से। उनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसा जीवन था उस महापंडित राहुल संकृतायन का, जिनकी चर्चा उनके जाने के बाद बरसों बरस तक हो रही है, होती रहेगी, युगों युगों तक प्रासंगिक रहेंगे। तो देर ना करते हुए उन्हीं से बातचीत करते हैं, उनके प्रपौत्र से। विनोद पांडे जी हैं, स्वागत है आपका सर। जी धन्यवाद। आज 129वीं जयंती है तो क्या कहना चाहेंगे? हम चाहते हैं आपसे, हमारा निवेदन है कि हमारे दर्शकों को संक्षेप में राहुल जी के जीवन के विषय में बताएं आप। देखिए, राहुल जी ने अपने जीवन में जो भी घटित घटनाएं हैं उसको सारा कुछ उन्होंने लिपिबद्ध कर दिया है। अभी जो समस्या है, तमाम मंचों से हम सुनते भी हैं, जानते भी हैं कि जिन लोगों ने राहुल जी को बिल्कुल नहीं पढ़ा है वो किंवदंतियों के सहारे चलते हैं, सुनी सुनाई बातों जैसे जैसे राहुल जी घोर कट्टर सनातनी ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे। मैं आपको एक सूचना के रूप में बता दूं, जानकारी के रूप में बता दूं जी, कि राहुल जी ने अपने जीवन काल की सारी चीजें लिख दी हैं। राहुल जी के पिताजी गोवर्धन पांडे, उनके हलवाहे थे चिनगी भगत, और उनकी कोई संतान नहीं थी, और घोर सामंती काल में, गोवर्धन पांडे जी का जो काल था वह घोर सामंती काल था, घोर छुआछूत का काल था, लेकिन चिनगी भगत के कोई संतान नहीं थी, और चिनगी भगत अंतिम अवस्था में अपने घर पे बैठे थे, और राहुल जी के पिताजी ने कहा कि जब पूरा जीवन चिनगी भगत अपने हमारे यहाँ बिताए तो आज भूखे कैसे रहेंगे, और रोज और 1 किलोमीटर चल के प्रतिदिन उनको भोजन लेके जाते थे और उनको खिलाते थे, फिर घर आते थे अंतिम समय में। और जब मतलब काम करना उन्होंने इनके यहाँ बंद कर दिया। और जब उनका ये क्रिया 1 साल 6 महीने नहीं चली, 2-3 साल चली, इसके बाद जब चिनगी भगत का देहांत हो गया तो उन्होंने कहा कि चिनगी भगत की लाश तो गंगा के किनारे ही जाएगी, और उस समय कोई साधन नहीं था, कंधे पर लेके गंगा जी के किनारे गए। वो विरोध नहीं हुआ। तो रूढ़वादिता पाखंड राहुल जी के जिंस में नहीं था, उनको पैतृक विरासत में भी नहीं मिला। दूसरी चीज जो काफी लोगों के मुंह से सुनी जाती है कि राहुल जी का जो प्रथम विद्रोह का अंकुर पैदा हुआ, जो उनकी उनका बाल विवाह हो गया, ये भी सरासर गलत। और ये कहना कि राहुल जी ने अपनी प्रथम पत्नी को पत्नी माना ही नहीं, ये भी सरासर गलत है, क्योंकि ये उन लोगों का कहना है जो राहुल साहित्य से बिल्कुल अनभिज्ञ है, उन्होंने पढ़ा ही नहीं। मैंने भी सुना है कि जब राहुल जी वापस आए तो जब यहाँ पे आए तो पत्नी से जब सामना हुआ तो उन्होंने शायद कहा था कि
मैंने तुम्हारे साथ अन्याय कर दिया। हाँ बिल्कुल 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 सही कहा। उन्होंने जब यहाँ, अरे राहुल जी जो कनेला की कथा है, राहुल जी जो कनेला की कथा उन्होंने लिखा है उसका समर्पण ही लिखा है उसी प्रथम पंडिता को जिसका सारा जीवन मेरी महत्वाकांक्षाओं का शिकार हुआ। मेरूढ़ पर आरूढ़ विद्वान के ये शब्द क्या क्षमा याचना के लिए काफी नहीं है? तो लोगों को मालूम नहीं है। राहुल जी ने कहा भी था कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं, तो मेरे दादाजी ने कहा कि मैं थोड़ा सा उनसे पूछ लूं कि वो आपसे मिलना चाहती हैं कि नहीं। तो दादाजी गए, कहे उनसे, तो कहे ठीक है भेज दा, अब का रखल भेज दा। गए, राहुल जी रोते हुए निकल दिए, वो भी रोने लगे। तो इतना पर्याप्त तो नहीं है, बस राहुल जी के अंदर जो एक बाल सुलभ, जो बचपन से उनके अंदर एक ऊर्जा भरी गई थी, चाहे वो नाना के द्वारा चाहे पिता के द्वारा, जो उनको एक रूप दिया गया था शिक्षा के प्रति रुझान, जबकि उस समय तो लोग पढ़ते भी नहीं थे, इसका प्रभाव पड़ा। और चूंकि विलक्षण प्रतिभा वो थी, तो इसकी वजह से आपको मैं बीच में रोकना चाहता हूँ। अभी जब यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था तो मुझे भी थोड़ा वक्त मिला बोलने का, तो मुझे ये देख करके दुख हुआ। मैंने उसको जाहिर भी किया कि अभी भी कोई नया नवेला नेता है, अगर वो इकट्ठा होता है, कोई कार्यक्रम करता है, तो हजारों की भीड़ होती है, और राहुल जैसे महान व्यक्तित्व के धनी और उस यायावर की जन्म जयंती समारोह हम लोग मना रहे हैं, वहाँ पे भीड़ नहीं है, वहाँ पे लोग नहीं हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बात आती है ना, तो कहते हैं कि जो यंग जनरेशन है, जो ऊर्जा है, वो दुनिया को बदल देने की ताकत रखती है। तो मुझे कहते हुए कतई संकोच नहीं है, कहीं से कोई डर भय नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। हमारी जो यंग जनरेशन है उसमें से 95% से अगर मैं कहूं तो 95% लोगों को नहीं पता है कि राहुल जी कौन है, कहां के हैं, क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से दुनिया भर में विख्यात हैं। तो मैं चाहूंगा सर आप संक्षेप में उनका जीवन, जब वो सोच समझ के लायक हुए तो फिर वो कहां से कहां गए, किन किन देशों की यात्राएं की, कौन कौन सी भाषा सीखी, क्या क्या उनके द्वारा कार्य किए गए, आप उस पर बताएं संक्षेप। जी मैं उसी पर आ रहा था। जी राहुल जी का जन्म पंधा में हुआ था, ननिहाल। जी निजामाबाद तहसील में पड़ता है। निजामाबाद तहसील में, वो भी ऐसा कुछ नया नहीं है। मैंने कहीं सुना एक विद्वान अधिकृत वक्ता राहुल जी पर, वो किसी इंटरव्यू दे रहे थे, उन्होंने कहा कि राहुल जी के पिताजी निर्धन थे इसलिए वह ननिहाल में पढ़ते थे। लिखा तो इसी तरह है, राहुल जी के पिता उस काल में आज से संपन्न थे। अच्छा। आज जो राहुल जी के वंशजों के पास पैतृक भूमि है उस काल में राहुल जी के पिताजी के पास ज्यादा थी। अच्छा। 70 बीघा तो जिगरसंडी में बैनामा लिए थे राहुल जी के पिताजी। अच्छा। जो बाद में, उस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ। और अक्सर कुछ जगहों पे लिखा है निर्धन ब्राह्मण परिवार में पैदा, नहीं वो गलत लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ। और भी आए खड़े हो जाएं साथ में, गोवर्धन पांडे जी के हाथ का लिखा हुआ मेरे पास दस्तावेज है। अच्छा। आज भी मेरे घर में रखा हुआ है दस्तावेज है, जो ये दिखाता है कि वो कहाँ कहाँ जमीन लिए। तो किस उम्र में उन्होंने अब सवाल उठता है कि आज भी हमारे यहाँ एक कल्चर है कि जब हमारी पुत्री को प्रथम पुत्र में वो माँ उसको अपने यहाँ बुला लेती है कि मैं वो ज्यादा अच्छे से देखभाल करूंगी। जी जी देखभाल, बिल्कुल बिल्कुल है कि नहीं। बिल्कुल। अब सारे लोग राहुल जी तो हो नहीं जाते, राहुल जी के साथ ये था कि राहुल जी के जो माँ थी वो अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। अच्छा। और यहाँ जो था वो भरा पूरा परिवार था, और वहाँ जो है राहुल जी के पिता अपने बेटी के घर का उस दौर में पानी पीना भी ठीक नहीं था।
दूसरी जो सबसे बड़ी चीज थी कि यहाँ आसपास कोई विद्यालय नहीं था पढ़ने के लिए राहुल जी, इसलिए वहां पे रहे, इसलिए वहां रहे, वहां रानी के सराय और और आना जाना उनका लगा रहता था। वहां भी मूर्ति लगी है। सातवीं तब मिडल था, तो सातवीं के बाद वह एक बार वहां से भगे। अच्छा, वो जाने का उनका कोई वो ये नहीं कह सकते हम कि ज्ञान की पिपासा में गए या ऐसे, वो एक बाल सुलभ मन था उसमें उनके मन में आया वहाँ से अपना निकल, मन, चंचल, हाँ, मन। चंचल मन निकल दिए। वो मटके का घी था गिर गया, सोचा कि नानी मारेंगी, बस निकल दिए। अब निकल दिए तो फिर अपना ट्रेन पे बैठे चले गए बनारस। बनारस गए तो उनको लगा कि अरे तो मैं समुद्र में आ गया। अब घबरा गए, फिर वहाँ से अपने ही वापस आ गया, वापस भी आ गए। यह सातवीं के पहले की बात है, मेरे ख्याल से पाँचवीं और छवीं में थे। फिर इसके बाद जब सातवीं वो पास किए तब हुआ जो है वहीं से वो भागे। अच्छा, उसके पीछे उनकी जो थी जे कि उनके पिता सिपाही थे, ये भी सत्य है, उनको कहानियाँ सुनाते थे, तो उनके मन में एक जो है भाव पैदा होता था घूमने का, देखने का। फिर वहाँ से वो गए कलकत्ता। कलकत्ता में कुछ दिन नौकरी किए, घूमते रहे। इसके बाद कलकत्ता से उन्होंने अपने पिता को पत्र लिखा, दुर्लभ पत्र है, संजोग से आज भी परिवार में वो संरक्षित पत्र है, संरक्षित है, पोस्ट कार्ड पर। उसमें उन्होंने लिखा है कि हमको जो है ले आने की कोई व्यवस्था करिए, नहीं तो मैं भूखों मर जाऊंगा। पोस्ट कार्ड पर लिखा हुआ पत्र है। अच्छा, तो फिर वो अपना वहां से लाए गए कि नहीं लाए गए? तो फिर जैसे हम लोग पढ़ते हैं विश्व के कई देशों में उन्होंने भ्रमण किया, तो वो पहले देश पहला कौन सा देश था जहाँ पर वो गए? नहीं, फिर वो थोड़ा संक्षेप में बताएंगे तो। हाँ, अब देखिए एकदम समयबद्ध तरीके से तो मैं नहीं बता सकता, याददाश्त भी नहीं है। मेरे ख्याल से पहली बार वो जो है ये तिब्बत की तरफ गए। वो तिब्बत की गए। कुल कितने देशों में यात्राएं की उन्होंने? पूरा यूरोप और यूरोप के जितने देश थे। हाँ, सभी, पूरा यूरोप, ये श्रीलंका, मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और ये सारा पूरा यहाँ पे सारे देशों को वो घूम घाम करके आए। और कहा जाता है कि ये भी लिखा गया है, हमने भी सुना है कि खच्चरों पे लाद के वहाँ के जो लिपियाँ थी या जो भी पांडुलिपियाँ थी वो लेकर के आए थे यहाँ पर। उसमें हुआ क्या कि जब बौद्ध धर्म का पर ब्राह्मणवाद हावी हुआ तो ब्राह्मणों पर ये कहा जाने लगा कि इन्होंने जो धर्म बौद्ध धर्म की पुस्तकें थी उसको जला दिया नालंदा में। लेकिन जब राहुल जी अज्ञातवास में थे, नेपाल के रास्ते से उन्होंने भोटिया के रूप में यात्रा की, तो जैसे हमारे यहाँ आश्रम है ना, मठ है, आश्रम है, मंदिर है, मंदिर तो नहीं, आश्रम है, मठ है, क्योंकि आश्रम और मठ एक वो इंगित करता है। उसी तरह वहाँ बौद्ध धर्म में जो साधु जहाँ इकट्ठा होकर रहते हैं उसको खानगाह बोलते हैं। तो जब ये खानगाह में गए तो इनको वो पुस्तकें जिनको बताया जाता था कि ब्राह्मणों ने जला दिया, वो उन पुस्तकों की मूल प्रति मिली उनको। जैसे धर्मकीर्त जो आधिकारिक विद्वान बौद्ध दर्शन के हुए, उनकी पुस्तक थी प्रमाणवार्तिकम, अशोक घोष की थी। इस तरह जो है तो वो पुस्तकें, फिर बाद में जब इनको वीजा मिला तब गए वहाँ, तब 40 खच्चर पुस्तकों लेके आए। पटना म्यूजियम में संरक्षित, पटना म्यूजियम में आज भी। तो जो यंग जनरेशन के लोग हैं या जो लोग भी इस तरह के साहित्य और ज्ञान के विषय में रुचि रखते हैं वो अगर पटना म्यूजियम में जाएंगे तो सारी चीज़ें वहाँ पे संरक्षित। हाँ, राहुल गैलरी करके। अच्छा, चलिए मैं सीधे अब लौटता हूँ यहाँ के जीवन पे। जब वो घुमक्कड़ घूम कर आते हैं पूरी दुनिया को, आजमगढ़ में आते हैं, उसके बाद का कुछ आपको पता है?
50 जैसा कि उन्होंने अपने पिताजी से भी बनारस में कहा कि देखिए मैं आपके काम का नहीं रहा और अगर आप को कनेला में ही बांध के रखना था तो आप आपके पास अच्छी खासी जमींदारी थी, 6 जोड़ी बैल थे, 4-6 भैंसे थी, हमको लाठी पकड़ा दिए होते, आप मुझे विद्यालय क्यों भेजे? तो जब आपने विद्यालय भेजा तो अब आप मैं आपके काम का नहीं रहा और कनेला क्या, जब तक मेरी 50 वर्ष अवस्था नहीं हो जाएगी तब तक मैं आजमगढ़ जिले में पैर नहीं रखूँगा। खैर वहीं से वो उधर चले गए, उनके पिताजी इधर आ गए। तो कब आए वो 50 वर्ष की अवस्था में आए? ये 13 अप्रैल 1943 को आए। 1943, हाँ, आज़ादी से पहले आए। हाँ, आज़ादी से पहले 13 अप्रैल 1943 को आए। गांव में आसपास काफ़ी भीड़ लग गई, उसी में किसी ने कह दिया कि आज बसियौड़ा हो, मतलब ये जो चैत रामनवमी ये है ना, तो इसको हमारे यहाँ इधर भोजपुरी समाज में इसको बसियौड़ा कहते हैं। अच्छा, बसियौड़ा का मतलब ये है कि औरतें रात को भोजन बनाएंगी और उसको सुबह खाएंगी। बासी शब्द से बसियौड़ा बना। अब उसमें क्या अक्सर बोलचाल की भाषा में बासी भोजन हो गया, पुराना हो गया, है ना? बसियौड़ा। तो क्योंकि रामचंद्र का जन्म हुआ था उसके हिसाब से वो पूजा पाठ बनाते हैं, पूजा करते हैं। तो वो जो है 13 अप्रैल 1943 को जहाँ आए, तो किसी ने उनसे कहा कि कहो बड़े टाइम से आ गिला, तो कहना कि बसियौड़ा है आज। तो मेरे बाबा भी बगल में चल रहे थे, तो उनसे पूछे कि कहो बसियौड़ा हो? तो कल कहे कि हाँ। तो कहें ललका भात उर्दी के दाल बनल ये? तो कहें कि हाँ बनल। कहें हम वह खाई, राहुल जी कह रहे, राहुल जी कहें तब हम वह खाई। तो उस समय जो है एक चावल होता था, हम लोगों के भी बचपन में हुआ था, जिसका चावल बनाने पर वो भात जो है लाल होता। और उड़द की दाल तो आज भी बनती है। अच्छा, तब तो खूब उड़द होता था तो खूब बनती थी। आज की जो परिस्थिति है उसमें थोड़ा सा उड़द लोग डाल देते हैं सूप करने के लिए। आज हुआ होगा? हाँ, आज हुआ, आज रात को होगा, रात को, आज रात को होगा। वो जब भी बनता है तब रात को ही बनता है। अच्छा, तो और एक चीज जो रूढ़वादिता और सनातनी ब्राह्मणवाद, मैं उस पे आऊँगा, लेकिन एक सवाल है बहुत कम, मैं चाहूँगा आप उसका जवाब दें कि जैसे एक चीज़ ये है कि कहा जाता है, बताया जाता है, मुझे सही सही आंकड़ा नहीं पता, कि राहुल जी जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने वहाँ की चीज़ों को सीखने के लिए, वहाँ की हो सकता है व्यवस्था रही हो नागरिकता के लिए, उन्होंने वहाँ की औरतों के साथ विवाह रचाया, इस तरह की भी बातें तमाम सुनने को आती है, उस पर आपका क्या कहना है? उन्होंने कितनी शादियाँ की, उनके कितने लड़के या उनके जो भी आगे विरासत के लोग हैं जैसे आप हैं, वो कितने लोग हैं और किन किन देशों से संबंधित हैं, उसके विषय में बताएं और अपने विषय में भी बताएं। देखिए राहुल जी, मैंने बताया कि पहली जो शादी हुई थी वो तो यही हुई थी, यही हुई थी, और तब बाल विवाह की प्रथा भी थी। जी जी, राहुल जी खाते पीते परिवार के थे। जी जी, उनकी कद काठी भी सामान्य नहीं थी, वह उम्र से आगे बताती थी। और चूंकि वह जो उनके रिश्तेदारी में, उनके नाना के रिश्तेदारी में कोई लड़की वाले आए थे, तो वही नाना लेके चले आए थे कि हमारे नाती के शादी हो जाए, यहाँ का छोड़ के जो घुमक्कड़ी जीवन। हाँ, खैर शादी हो गई, पहली तो ये थी जी। दूसरी जो, जब वो लेनिनग्राद में संस्कृत के प्राध्यापक बन के गए, तो वहाँ लोला स्मृत तोलना महिला थी जो वहीं लेनिनग्राद यूनिवर्सिटी में ही लाइब्रेरियन थी, उनसे उन्होंने शादी किया। तो इसके बाद कुछ दिन वहाँ रहे, एक लड़का भी पैदा हुआ, इगोर सांकृत्यायन, वो एक बार यहाँ आए भी हैं, कनेला में आए भी हैं, और आए हैं मतलब मेरे समय में आए हैं, मैंने खूब उनका स्वागत किया है। तो फिर उस समय स्टालिन का जमाना था, अब वो लेके आए, आना चाहे यहाँ कि लेके चलें, वहाँ की गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, आप लेके नहीं जा सकते, आप खुद यहाँ नागरिक बन जाइए। खैर
मुकदमा चला, राहुल जी उसमें हार गए। फिर राहुल जी भारत आ गए। राहुल जी का यहाँ स्वतंत्रता आंदोलन में भी काफ़ी हाथ था, सहयोग रहा उनका। फिर यहाँ जब आए और फिर जब वो वहाँ से बौद्ध साहित्य लेके आए तो यहाँ इनकी एक टाइपिस्ट थी कमला सांकृत्यायन, नेपाली मूल की थी, उनसे इन्होंने शादी किया, उनसे एक बेटा एक बेटी जया जी हैं और जेता सांकृत्यायन। मुलाकात है? हाँ, दोनों तीनों चारों लोग। अच्छा अच्छा, तो बस यही एक तो। चलिए अब मैं उस मूल विषय पे आता हूँ। जैसे आपने बताया कि रूढ़िवादी विचारधारा और तमाम चीज़ों की आपने बात किया, मैंने आपको बीच में रोक दिया। जैसे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होना, सनातनी धर्म को या सनातन धर्म को मानकर आगे बढ़ना या उसको फॉलो करके पूजा अर्चना जैसे जो भी पद्धति होती है, और राहुल जी का जीवन जो बौद्धिज्म की तरफ चला गया, तो ये विरोधाभास नहीं था? क्योंकि उन्होंने बहुत सारी किताबों में ऐसा लिखा है, जो हिंदू धर्म के अनुसार जो चीज़ें दूसरी हैं उसको उन्होंने दूसरा कुछ बताया, तो इसका विरोधाभास नहीं रहा आप लोगों के बीच? कभी ये मुद्दा नहीं बना किसी विवाद का? आज भी जब भी जिक्र होता है, जैसे मैं सीधा बात बताऊं, अगर महाराजगंज में बाबा भैरवनाथ, तो वहाँ पे जो अग्निकुंड या यज्ञ कुंड जिसको कहा जाता है, लिखा उन्होंने, हाँ, तो उन्होंने दूसरा कुछ लिखा। पलनी देवी धाम को भी उन्होंने जो शक्तिपीठ के तौर पे है वहाँ के बारे में भी खुदाई उदाई किया था कुछ, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता इसलिए मैं आपसे समझना चाहता हूँ। तो क्या क्या मामला था? कभी तनातनी नहीं हुई इन सब चीज़ों को लेकर के? आप लोग क्या मानते हैं, आप लोग क्या फॉलो करते हैं? नहीं नहीं, तनातनी नहीं हुई। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत परिवार की बात है, मेरे व्यक्तिगत परिवार में, मेरा पर्सनल ले लीजिए, मैं किसी देवी देवता विश्वास नहीं करता, न कभी मंदिर में जाता हूँ, और उसके लिए मैं एकदम रिजिट हूँ, इन लोगों को मालूम है, मैं मानता भी नहीं। एक और मेरे बड़े भाई थे, बड़े बाबूजी डॉक्टर अनिल पांडे, उनका भी नहीं था कोई। परिवार के अन्य लोग मानते हैं? हाँ मानते हैं, मानते हैं, लेकिन रूढ़िवादी कोई नहीं। अच्छा। हाँ, रूढ़िवादी कोई नहीं। ये नहीं है कि ये अमुक जात का आया तो किस गिलास में पानी पिएगा, ये अमुक जात का आया तो किस गिलास में पानी, ये कभी नहीं रहा। ये मेरे बाबा के जमाने से भी नहीं रहा, मतलब राहुल जी के जो छोटे भाई थे। अच्छा। कभी भी घर में अलग गिलास नहीं रखी गई, ये उस समय भी था। सबके साथ समान व्यवहार होता था। हाँ, सबके साथ समान व्यवहार होता था। मेरे पिताजी के भी कभी मन में नहीं आया। चलिए विनोद जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आज के समाज से क्या निवेदन होगा, आपका आग्रह क्या होगा कि राहुल जैसे महापंडित के विषय में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उनके जीवन दर्शन को हम अपने जीवन में आत्मसात करें कि चीज़ें बेहतर हो और हमें सच दिखाई दे? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि महापुरुषों के जो विचार हैं, जो उनके पुस्तकों में हैं, तो पुस्तकों का प्रचार प्रसार होना चाहिए, और जब तक पुस्तकें नहीं आएंगी सामने तब तक उनको नई पीढ़ी जान नहीं पाएगी। और जो प्रगतिवाद है उसको हमको स्वीकार करना होगा, जो सत्य है, जो हमने गलतियां की है उसको हमको मानना होगा। एक छोटा सा सप्लीमेंट्री सवाल है मेरा इसी में, बहुत कम ख्याति के लोग जिन्होंने राहुल जी से बहुत कम काम किया है, वो आज के दौर में अगर देखा जाए तो प्रसिद्धि के मामले में अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, भगवान के बराबर संज्ञा दी जाने लगी है। राहुल जी के मामले में ऐसी क्या कमी रह गई कि आप लोग उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं कर पाए कि जिले में भी अभी बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, सिमट के रह गया है, कनैला की कथा में ही सिमट के रह गई है, बाहर के लोग बहुत मतलब उस तरीके से नहीं जानते जिस तरह से जानना चाहिए, इसके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रश्न तो आपका छोटा है लेकिन उत्तर इसका बहुत लंबा है। विद्रोही स्वभाव जिसका भी होता है, झिलगा खटिया जानते हैं ना, जो झिलगा खटिया, हाँ, लुजलुज हो जाती, हाँ, वो झिलगा खटिया पर ही प्राण अपना त्यागता है, चाहे उसके विचार हो, चाहे वो खुद नहीं हो, करता, चाहे वो खुद हो, बाद में उसकी आप मूर्ति लगा दीजिए। निराला जी को किसने पूछा, कबीर को किसने पूछा? क्योंकि ये वो धाराएं हैं
जो नागार्जुन से कबीर निराला होते हुए राहुल सांकृत्यायन तक आती है जी, वह इनके उस पर जो है बक्से पर तिजोरी पर हमला करती हैं, तो ये क्यों उसका प्रचार प्रसार करेंगे? ये क्यों जानने देंगे युवा पीढ़ी को कि राहुल सांकृत्यायन कौन थे? ये क्यों जानने देंगे कि नागार्जुन कौन थे? तो ये सबके साथ हुआ है, कोई राहुल जी उसमें, तो आप लोग प्रयास करिए। अब प्रयास लोकतांत्रिक व्यवस्था में जानते ही हैं सत्ता किसके हाथ में होती है। मैं सत्ता या सत्ता परिवर्तन की बात नहीं कर रहा, कम से कम उनके विचारों को कहते थे ना, है ना, निजम विचारधारा के थे। हाँ, जवाहरलाल बहुत चाहे कि राजनीति में आ जाए। अच्छा, राजनीति में नहीं गए। हाँ, राजनीति में गए तो सिमट जाते। अच्छा, लेकिन देखिए, यानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी इनको राजनीति में लाने की कोशिश की। अच्छा, लेकिन राजनीति में नहीं गए। अच्छा, और जैसे कि राष्ट्रपति राधा कृष्णन के विद्वान है भारत के, और राहुल जी पूरे विश्व के हैं, इनके ऊपर साथ कोई किताब लिख दिए हैं राधा कृष्णन की लीपापोती, वो आज विश्व की लाइब्रेरी में है। और यहाँ यही आता है, हाँ, आप बताएं, आप सुनना के सुनने की बात में, सुनने में नहीं, जो 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 देख रहे, तो वो दर्शन दिग्दर्शन एक पुस्तक है। अच्छा, तो चूंकि अपने यहाँ के आधिकारिक विद्वान डॉक्टर राधा कृष्णन जी हैं, दर्शन शास्त्री बौद्ध, तो उसमें 10-15-20 पेज का एक चैप्टर है बौद्ध दर्शन दिग्दर्शन, इतनी मोटी पुस्तक, उसमें उन्होंने लिखा है राधा कृष्णन की लीपा पोती। तो राधा कृष्णन जी ने जो लिखा है वो चूंकि विद्वानों की बात है, हमको नहीं समझ में आएगी, नहीं हमको समझ में भी अगर आएगी नहीं, और कहना भी नहीं चाहिए, बड़े लोग हैं उसके बीच में हम लिखने का कुछ और सुनने, हाँ, समझने का कुछ और, बोलने मतलब से क्या मतलब। चलिए, तो इसी के साथ विदा लेना चाहेंगे।